कक्षा सात के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम पाठ ले रहे हैं त्रिभुजों में सर्वांग समता। सर्वांग समता की स्थितियों के बारे में हमने बात की थी, उसके चार के चार स्थितियों के बारे में बात की थी। आज उसके संबंधित कुछ आसान से प्रश्न हम लेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सर्वांग समता गुण प्रयुक्त होगा। ये दो त्रिभुज दिए हैं ए बी सी और डी ई एफ। हम कह रहे हैं कि ये सर्वांग सम है, तो उसमें कौन सा सर्वांग समता का गुण हम दिखा रहे हैं। जी चीज हमें दी हुई है ए सी बराबर डी एफ, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ए बी बराबर डी, ए बी डी के बराबर है, और बी सी बराबर ई एफ, यानी ये बी सी भुजा इस ई एफ के बराबर है। और इस प्रकार हमें ये भी दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के, जो दो त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम है। तो इसमें कौन सा गुण हमने प्रयुक्त किया है। इसमें गुण की बात देखें तो हमें एक भुजा और दोनों भुजाएं और ये तीनों भुजाएं परस्पर बराबर है, तीनों भुजाएं यहां बराबर होती है, तो वहां गुण लगता है भुजा भुजा और भुजा। यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो भुजा 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 तीन बार लिखेंगे, इसे हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो ये इसका गुण है। ये कौन सा गुण है, भुजा 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 गुण से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं परस्पर बराबर हैं। अब हम लेंगे इसका एक दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में भी हमने कहा कि कौन सा सर्वांग सम का गुण है। दो त्रिभुज है पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो जेड एक्स बराबर है आर पी के, पी आर क्यू बराबर है जेड वाई के, और पी आर क्यू कोण पी आर क्यू यानी ये कोण बराबर है एक्स जेड वाई के, एक्स जेड वाई के। यानी ध्यान से देखें तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण और दो भुजाएं और उनके बीच का कोण समान है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, पी क्यू आर सर्वांग सम है एक्स वाई जेड के। इसमें कौन सा गुण प्रयुक्त हो रहा है, इसमें गुण प्रयुक्त हो रहा है एस ए एस, एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा, क्योंकि दो भुजाएं हैं और उनके बीच का कोण समान है, तो इसमें भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब हम लेंगे इसका एक प्रश्न और। इसके तीसरे प्रश्न में हमें दिया गया है दो त्रिभुज एल एम एन और एफ जी एच। इन त्रिभुजों में दिया गया है कि एम एल एन यानी कि ये कोण बराबर है एफ जी एच के, एफ जी एच के ये कोण इस कोण के बराबर है, और एन एम एल, एन एम एल यानी ये कोण बराबर है जी एफ एच के, ये दो कोण भी बराबर है, और एम एल यानी ये भुजा एफ जी इस भुजा के बराबर है। ध्यान से देखें कि यहां हमारे पास है दो कोण और उसके बीच की भुजा, और यहां भी दो कोण और उसके बीच की भुजा परस्पर बराबर है। तो हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज एल एम एन सर्वांग सम है एफ जी एच, यानी दो त्रिभुज सर्वांग सम है इनके पीछे कौन सा कारण है, दो कोण और एक भुजा। तो इसे हम कहेंगे ए एस ए यानी हिंदी में कोण दो कोण और उनके बीच की भुजा परस्पर समान है, इसके लिए सर्वांग सम है, तो ए एस ए प्रतिबंध इसके लिए होगा। अब हम लेते हैं इसके संबंधित एक और प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमारे पास दो त्रिभुज दिए हुए हैं ई ए बी और डी बी सी। इन त्रिभुजों में दिया है ई बी बराबर डी पी, ई बी बराबर डी पी, ए बराबर बी सी, कौन एक और कौन सी 90 अंशक है, ये दो कौन 90 अंशक है। इसमें हम देखें ये कौन 90 अंशक है तो ये भुजा कौन होगी, ये कौन 90 का है तो ये भुजा भी कौन होगी, यानी दोनों समकोण त्रिभुज तो है जो कि कौन 90 अंश है, इनका कर्ण बराबर है, कर्ण के अतिरिक्त एक भुजा और ऐसी है जो दोनों त्रिभुजों में बराबर है। तो इसे हम कहेंगे कि सर्वांग सम के इसके पीछे कारण क्या होगा, कि हम कहेंगे कि आर एच एस कॉन्ग्रुएंस, यानी कि समकोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज है विकर्ण, दोनों के विकर्ण, ये भुजा दोनों की विकर्ण है, ये बराबर है, और एक भुजा और बराबर है, तो ये और ये भुजा बराबर है, इस प्रतिबंध से ये
दोनों त्रिभुज यानी कि ए बी ई और सी डी बी सर्वांग सम है। अब हम लेंगे इसकी प्रश्न संख्या दो। एक प्रश्न हमने और दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 30 अंश है, कोण बी 40 अंश है और कोण सी 110 अंश है। यानी एक त्रिभुज है इसके कोण 30, 40 और 110 है और एक दूसरा त्रिभुज है बी क्यू आर जिसमें कोण बी 30 अंश है, कोण क्यू 40 अंश है और कोण आर 110 अंश है। यानी इसके भी तीन कोण वही, दोनों के तीनों कोण बराबर है 30 अंश, 40 अंश और 110 अंश। क्या ए ए ए यानी कोण 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 प्रतिबंध से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पीक्यूआर के? क्या यह संभव है? या क्या कोण 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 सर्वांग समता नाम की कोई चीज होती है? इस पर हम देखेंगे। तो यदि हमने एक एक इसको देखा, मान लीजिए हमने आधार खींचा जो हमने 10 सेंटीमीटर या ये हमने 25 सेंटीमीटर का खींचा या इसे हमने नाम दिया बी और इसे नाम दिया सी। कोण भी हमें पता है 40 अंश है, हमने 14 से एक कोण खींच दिया 40 अंश का, ये 14 की मदद से आप इसको करेंगे। कौन सी 110 अंश का है, ये कोण कुछ ऐसा होगा। यदि हम इन दोनों को मिलाएं, यदि हम इन दोनों को मिलाएं तो ये कोण 40 अंश का और ये कोण 110 अंश का, तो ये कोण अपने आप ही शेष बचा हुआ 30 अंश का हो जाएगा क्योंकि तीनों का योग 180 अंश होना है। हमने इस दूरी को लिया है 20 सेंटीमीटर। अब एक काम और करते हैं, अब हम इस आधार को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब हमने आधार लिया है 15 सेंटीमीटर का, इसे हमने नाम दिया क्यू और आर। ये बी सी था तो ये अपने आप ही ए होगा। अब क्यू से हमने एक 40 अंश का कोण खींचा, आर से 110 अंश का कोण खींचा, क्यू से हमने एक 40 अंश का कोण खींचा। इसको भी अगर तुम अपने घर में 14 से करोगे तो एक काम बेहतर होगा, शायद इसे बेहतर समझोगे और ये कोण स्वतः ही 30 अंश का हो जाएगा। अब हम इस दोनों त्रिभुजों को देखें, इनको ऐसा खींचा जा सकता है, एक का आधार है 20 सेंटीमीटर, एक का आधार हमने 20 से कम लिया है। तो इन चित्रों को देख के ही स्पष्ट है कि क्या इस त्रिभुज को अगर यहां से उठा के इसमें रखा जाए तो क्या ये इसको पूर्णतया ढकेगा। इस चित्र को देख के आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि ये चित्र इस चित्र को पूर्णतया नहीं ढकेगा। इसका अर्थ है कि ए ए ए या कोण 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 सर्वांग समता नहीं होती है। सर्वांग समता के लिए हमें दो कोण दिए हैं तो उसके अतिरिक्त उनके बीच की भुजा की लंबाई भी देनी होगी, तो हम कहेंगे कि ए ए ए सर्वांग समता नहीं होती है। यानी ए ए ए सर्वांग समता नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस काम का तुम अपने घर में भी अभ्यास करोगे और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।